अभी बैठे हुए हैं न्यू वाला छत पे, जो कि अपना उस छत पे से यहाँ पे दिखता है, जैसा कि देखते हो पीछे वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आए थे कुछ काम के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं कितना, 5:27 हो रहा है। लाइट में गाइस दिखाई नहीं देता आपको, बट जो भी हो फिलहाल, तो अभी चलते हैं आपको दिखाने के लिए जो मेरा गांव है, गांव में कितना पानी आ चुका है फिलहाल अभी। तो अभी चलते हैं रोड पर, देखते तो वहाँ, और अभी तो यहाँ से पानी दिखाई देगा नहीं, तो चलते हैं हम और प्रहलाद। अभी तो शाम का समय 5:30 हो रहा है, जैसा कि आपको दिखाया अभी 5:17 हो रहा है। तो अब चलते हैं हम और प्रहलाद दोनों रोड पर। तो अभी आपको पता ही होगा कि अभी बाढ़ का स्थिति चल रहा है बिहार में, और हम बिहार में मुंगेर से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, पिछला और भी ब्लॉग में आप सभी ने देखा ही था। तो अभी चलते हैं, पहले देखते हैं कि मेरा गांव से जो NHSC है रोड पर, वहां पर पानी आया हुआ है या नहीं, एंड कितना दूर आया हुआ है, सारा चीज़ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी शाम के समय बैठ चलते हैं, आज ही ब्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूं, वो भी 4 से 5 दिन के बाद, मतलब लंबा छुट्टी होने के बाद में ब्लॉग आज स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलो चलते हैं पहले रोड पर, क्या प्रहलाद? तो गाइज, हम और प्रहलाद दोनों इसके लिए यहाँ पाए थे क्योंकि इससे रस्सी से बांध कर एंड वहाँ पर मेरे को देना था, देख रहे वहाँ पर जैसा फ़िलहाल। तो चलते हैं अब नीचे। गाइस, हम प्रहलाद कुमार, रिपोर्टर प्रहलाद कुमार के न्यूज़ पे आप बने रहिए। देखिए यहाँ पे पूरा खेत खलिहानों भींग चुके हैं, डूब चुके हैं बाढ़ पीड़ित में। ये सबको ₹4,000 दिए हैं, बाकी सब हम ही रख लिए हैं। अब घर देख लीजिए गाइस, पूरा घर वर डूब गया है, और आता रहे ₹31,000 दिए हैं। ऐसे इधर हम लोग का रोड यहाँ पे है ना, यहाँ से रोड है सीधा, और हम लोग का हाईवे वहाँ है, देख सकते हो जैसा वहाँ पे, और वहाँ से पानी क्रॉस करते हुए यहाँ घर तक पहुँच गया। यहाँ पे हाईवे पे नहीं आया है क्या पानी? ना हाईवे का, हाईवे का नीचे नीचे आया है। हाईवे का नीचे नीचे आया है। देखो यहाँ कहाँ, हाँ इस तरफ चापाना भी डूबा, इसे मार मार के तोड़ देंगे हड्डी, क्यों डूबा बात प्लीज। तो आइए गाइस पीछे पीछे, अभी आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, पूरा एकदम पूरा हम अपना एरिया खोल खोल के दिखाएंगे, चारों बगल का एरिया, क्योंकि अभी तक में पूरा डूब चुका है ना। हाँ, क्योंकि अभी तक में पूरा डूब चुका है, पानी अब वापस जा रहा है ना, पानी वापस जा रहा है ना अब। हाँ, सुबह में पूरा पानी घट गया था यहाँ, और यहाँ एक समय मैदान हुआ करता था। यस गाइस, यस, यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, अब इसमें नाव भी चलाने का नियत नहीं करता है, पानी में एकदम कीड़ा कीड़ा फैल चुका है। देखो प्रहलाद, पेट्रोल पंप वहाँ है, देखो। हाँ तो है, और से हाँ वो तो है ये है ना, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पानी पूरा दिखता है कितना, पूरा डूब चुका है पूरा यहाँ पे हाईवे हम लोग का, और इधर पानी पहुँच गया इस तरफ, पूरा चल गया है पानी, ये रोड के अंदरूनी सेक्टर से पानी बदल गया है गाइस, पुल से गया नीचे से, पुल से पूरा, कोई छते नहीं गाइस, ये विधवा हो चुका है, कुछ नहीं टेम्पो में। इधर पानी देखो रोड के जस्ट बगल में आ चुका है यहाँ, ये देखो ये पूरा ऊपर चढ़ चुका था ना प्रहलाद, यहाँ तक पूरा आ चुका था पानी, ये अब नीचे चला गया उस तरफ, चलो रोड में कोई नहीं है। देखो गाड़ी कितना तेज चल रहा है, देखो ये देखो, सबका 4 दिन का जिंदगी रहता है, जो आराम से चला था उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वहाँ तक पानी चला गया है। तो फाइनली अब आ चुके हैं हाईवे पे, जैसा कि आप सभी ने देखा भी, बड़ा कितना बगल से देखो कितना छोटा रास्ता क्रॉस किया अभी उधर, अब वहाँ देखो क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, कट कर देंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे दादा, ये दादा। तो अभी चलते हैं, और भी कुछ उधर देख सकते हो, भीड़ वगैरह लगा हुआ है, और भी ऑडियंस या लोग वगैरह जो भी बोलो, तो वही गंगा जी को देखने के लिए आते हैं। फिलहाल गंगा जी तो बढ़ ही चुका है बाढ़ के कारण, बाढ़ पीड़ित में गाइस सब रोटे पे आ गया है। यहाँ पे कुछ रेस्ट किए हम दोनों मिलके, अब चलते हैं सीधा इधर इस तरफ। रॉन्ग साइड इस तरफ जाना डायरेक्ट सीधा, चलो। प्रहलाद चल गया अभी उधर, और इस रोड में चलते हैं, रोड पे पानी है अभी, पूरा पैर डूब गया ना, रोड पे पानी आ गया गाइस, यहाँ देख सकते हो जैसा। अब आ चुके हैं ऊपर, यहाँ से देख सकते हो कितना पानी रोड पे है।
अब वहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? पानी नाप रहे हैं। पानी नाप रहा है, कितना पानी का? चार चंगुल तो और बचा ऊपर आने के लिए ना। और वहाँ तो आ ही गया, ऊपर तो आ ही गया वहाँ। यहाँ थोड़ा ऊँचा है ना रोड, इसी कारण से वहाँ ऊपर आ ही गया है। कितना पानी आ गया है, पहले कितना सूखा हुआ था यहाँ पे ना। पूरा पैर डूब जाता है अंदर ना, पूरा अंदर। ओ भाई कहाँ, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा है। जल्दी पानी चल जाएगा तो ठीक रहेगा। कितना गरीब वगैरह सब, जो भी गाय वगैरह सब पालता होगा उसको बहुत दिक्कत होता होगा ना। यहाँ पर होटल जो है ये भी डूब चुका है, देख सकते हो। यहाँ पे कुछ कहना चाहता है प्रहलाद इसके लिए? नया नया होटल खुलवे गया, पूरा डूबिए गया। हाँ, अभी जब तक बाढ़ का पानी नहीं जाएगा देखता कैसे है। भैया अभी तक मैं इतना कुछ दिखाई दिया है, अभी बाकी हम अब दिखाएंगे। अभी तलिया तला पूरे डूब गया, तलिया तला मतलब तलिया तला के रोड डूब गया, रोड डूब गया, रोड डूब गया है गाइस, रोड रोड डूब गया है, रोड डूब गया है गाइस। वो आपको दिखाएं कि उधर के न आइएगा, न तो आप भी डूब जाइएगा तो हम बचवे न आएंगे, पहले बता देते हैं। भैया अभी यहीं से घूर रहे थे, बोलिए चलिए आगे हम पढ़ने के लिए। यहाँ पर आते तो देखेंगे सब कुछ डूब गया है यहाँ पे, तो हम आप सबको दिखा रहे हैं यहाँ पे डूबल डूबल चीज़ मतलब रोड डूब गया है वही दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम तलिया तला पहुँच चुके हैं गाइस, तो चलिए दिखाते हैं पानी। हे बज्जा, ये तो पानी सूख गया गाइस, ये आप सबको हम कैसे दिखाएं। बज्जा तला फेरा हो गया गाइस, देखिए यहाँ पे तो पानी पूरा सूख चुका है, यहाँ तक ससार गया पानी गाइस। अब हमको कैसे दिखाएं गाइस, आप सब चलिए बज्जा गाइस, आप सबको लाइक कर दीजिएगा कि नहीं। पानी घट गया है गाइस थोड़ा सा, हम की कर सकते हैं गाइस।